एक्ट्रेस उल्का गुप्ता तो आपको अच्छे से याद ही होंगी, जिन्होंने जी टीवी के सीरियल रानी लक्ष्मीबाई में उनके बचपन का रोल निभाया था। मनु के इस किरदार को अगर आपने एक भी बार देखा होगा तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। उल्का ने इस रोल को ऐसे निभाया कि वो एक मिसाल बन गई। इसके लिए उल्का ने घुड़सवारी, तीरअंदाजी, तलवारबाजी सब कुछ सीखा था। अब उल्का को देखकर सब यही कहते थे कि ये लड़की बड़ी होकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, और उनका एक बड़ी एक्ट्रेस बनी भी, जहां आज पूरा देश उन्हें जानता है और इन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। पर उल्का गुप्ता इतनी कामयाब यूं ही नहीं हुई, बल्कि इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। जी हाँ, उल्का की कहानी तो कुछ और ही निकली। उल्का ने फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों में क्या झेला, उसका खुलासा खुद उल्का ने किया। उल्का ने बताया कि कैसे ना सिर्फ उन्हें फिल्मों में बल्कि टेलीविजन सीरियल से भी निकाल दिया गया था। एक इंटरव्यू में उल्का ने कहा, मैंने अपनी नौकरियां खो दी। सांवली स्किन टोन वाले लोगों को गांव वालों की तरह देखा जाता है और गोरे लोगों को ऊपर के तबके का काम मिलता है। ये बड़ी आम बात है, लेकिन मुझे ये अभी समझ नहीं आया कि ये सोच कहाँ से आई। भले ही मैंने झांसी की रानी सीरियल किया है, लेकिन मेरे स्किन टोन की बदौलत मुझे अब भी गलत तरीके से देखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी चैनलों में मुझे ठुकरा दिया गया। यहाँ तक कि जब मैं तेलुगु फिल्म करने गई तो सिर्फ मेरी स्किन के रंग के आधार पर उन्हें लगा कि भले ही मैं सुंदर हूँ, लेकिन मेरी स्किन सांवली होने के कारण शायद मैं हीरोइन की तरह नहीं लगूंगी। लेकिन मैंने इन सबका मुकाबला किया स्किन टोन से हटकर सोचने के लिए। केवल अच्छे और क्रिएटिव दिमाग वाले लोगों की जरूरत होती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि उल्का गुम है किसी के प्यार में शो में जल्द ही एंट्री करने वाली हैं। 20 साल के लीप के बाद सई की बेटी सभी का किरदार को लेकर उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब उल्का ने इस खबर की सच्चाई बताई। उल्का ने बताया कि इस रोल के लिए मेकर्स ने अप्रोच तो किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। उल्का के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार हो रहा है और इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है सांवलापन। ये भेदभाव किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की नसों में घुसा हुआ है। भेदभाव को लेकर कितना भी ज्ञान क्यों न दे, लेकिन सच यही है कि लोग अपनी एक्ट्रेस के साथ भेदभाव करते जरूर हैं। वेल दोस्तों, आप उल्का गुप्ता के इस खुलासे के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।